टक्केवारी का नंबर, टक्केवारियों का नंबर ब्लॉक नहीं करता है, कार करने वाले इंसान का नंबर ब्लॉक है। और फोन लगा लगा के परेशान हो रहा हूँ और कमिश्नर साहब ने ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया। अरे ये कहाँ है, कौन सा कमिश्नर ऐसा होता, ये इनके लिए हम आए, हमको ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, हमको हमारी माँ बहनों का काम चाहिए, उनको तकलीफ से राहत देना है, ये सोच लेकर आए। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। आज मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर, मालेगांव शहर पवारवाड़ी के इलाकों से महिलाओं का एक मोर्चा मालेगांव महानगर पालिका पर MDF के एहतशाम बेकरी वाला की क़यादत में आज यहां पर कई महिलाएं आई हुई हैं कि महिलाओं से उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं और क्या उनकी डिमांड होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। हम लोगों की डिमांड ये है कि वहाँ पर एक दो गटर बनी हुई है, दो तीन गटर बनी है, उसके बाद वहाँ पर नाला बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पांच पांच महीने तीन तीन महीने हो जाते सफाई होती नहीं। वहाँ पे SI से मैंने बात किया, फोन किया, वो तीन चार दिन से आ नहीं रहा। बोला भैया अभी ड्यूटी कौन करेगा, तो वो बोले मेरा पर्सनल मामला है। तो SI का ये जवाब है और इसके अंदर तीन मुतालबात हमने लिख कर लाए। सबसे पहले ये है कि वहाँ पर गटर बनना चाहिए, जब गटर नहीं होंगे तो लोगों के पानी कहाँ जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ पे जब नल आता है, नल आने की वजह से पानी में फोर्स ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके जो है मटके हो गए, टाकी हो गए, इनको पानी नहीं मिल रहा है। और तीसरा मुतालबा ये है कि वहाँ पर जो SI है, एक ऐसा SI लगाया जाए जो शहर में काम करता हो, क्योंकि वहाँ का SI बिल्कुल काम नहीं करता और साफ सफाई नहीं होती। और ये भी एक खास बात है, कर्मचारी आवाम कर्मचारी पे चढ़ना चाहिए, लेकिन आज जो है कर्मचारी जो है वो आवाम पे चढ़ रहे हैं। कौन SI है भाई? अभी वहाँ कुंदन SI करके, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं वो मंजरे आम पे आवाम के सामने लाऊंगा। अरे उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है। और देखिए, सबको हक है अपना हक लेने का। अभी बात हुई कमिश्नर साहब से, आपकी क्या काम? कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर वो लोग बैठे हैं तो बैठने दो, मैं मेरी मर्जी से आऊंगा। अब वो हो सकता आए या ना आए, लेकिन ठीक है, वो रात भर भी नहीं आए तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक कमिश्नर साहब इस बात का मुतालबा और इस बात का जवाब न दे दे कि वो किस तरीके से काम करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी है, हाँ, और उसके बाद कल मेरे गोंदे साहब से पानी के ताल्लुक से मुलाकात हुई, उन्होंने ये आश्वासन दिया था साहब साहब कि मैं जब नल आएगा तो मैं खुद विजिट करूंगा, वो यहाँ पर मौजूद है, और मैं उनको कंटिन्यू 11 बजे से मैं उनको फोन करता रह गया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। तो ये जो है इनकी हठधर्मी है। संबंधित विभाग के अधिकारी कमिश्नर साहब ने यहाँ भेज दिए, सफाई कर्मचारी के जो अधिकारी है इकबाल साहब, वो आए यहाँ पर, उसके साथ साथ राजू खैरनार, हाँ, वो आए हैं। तो क्या इन दोनों के आने पर भी तुमको? नहीं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक शहर का कमिश्नर जवाबदार है। जब इनको कोई काम बोलो, कई मामले लेकर जाओ, ये एक मसाइल नहीं शहर के लिए, आप इनको निवेदन देंगे? नहीं, मैं इनको नहीं दूंगा, कमिश्नर साहब ही निवेदन लेंगे और वही जवाब देंगे आवाम के सामने कि इन गरीबों का पैसा किस तरीके से आप इन पे खर्च करेंगे, वो जवाब दे आके। 113 में जो नाला है ना, वो नाला भी बंद कराओ, नहीं तो बारिश आती ना, हम लोग इतना इतना पानी रहता है गटर, जब बारिश आती ना तो पूरा यहाँ तक का पानी भरते रहता हम लोग के तरफ, हम लोग का घर घर में घुस जाता। 3 महीने से मेरा बच्चा बीमार है, पोता उसको ले लेके भाग रही, वो सुधर नहीं रहा है अभी तक, समझे? ठीक है, हमारे साथ में सफाई कर्मचारी है मालेगांव महानगर पालिका के सीनियर कर्मचारी राजू खैरनार हमारे साथ में। क्या प्रतिक्रिया है इनकी उसके ऊपर, क्या समस्या है, क्या निवेदन? निवेदन देंगे तो मैं बोलूंगा, हम उनको निवेदन भी नहीं देंगे, हम सिर्फ कमिश्नर साहब से बात करेंगे। निवेदन मेरे को देंगे तो मैं कुछ करूंगा ना उनके आगे, अभी यहाँ पे मैं हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है उनके निवेदन, उन्होंने निवेदन देने के लिए आए ना, वो क्या उनकी मांगनी हो तो दे। तीन डिमांड्स है, वो दिखाए ना, वो देंगे तो मैं बोलूँ ना उसके ऊपर, तो आप उनसे बात करेंगे? तो उनको बोले ना भाई इधर खड़ा होना यार, ऊपर से नीचे आया, उन्होंने मुझे बोला इधर आया क्यों, काय के लिए, उनके लिए आया ना यहाँ पे, और हम सिर्फ कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे करा था। क्या बोलना चाहेंगे इकबाल साहब? सफाई कर्मचारियों का जो विषय आ रहा है यहाँ पर कि SI काम नहीं करता, जो SI है उसको कई मरतबा फोन लगा, जो SI हमारा फोन नहीं उठाता,
उनके निवेदन के कारण कार्रवाई हम लोग प्रथम कार्रवाई करें उनके निवेदन पर, लेकिन उन्होंने निवेदन देना चाहिए हमको पहले था। निवेदन देंगे तो उसके ऊपर यहाँ पर कर्मचारी लोगों का बोलना ऐसा है कि अगर वो निवेदन हमको देते तो उनके निवेदन पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर वो निवेदन ही नहीं देंगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पहली मर्तबा नहीं है ये कॉर्पोरेशन में कमिश्नर जो अभी जैसे प्रशासक राज चल रहा है, जब कमिश्नर राज था तब भी यही मामला था कि कमिश्नर साहब जो है यहाँ रहते ही नहीं है, और जब ऐसे कोई अवामी मुतालबात लेकर आता है तो ऐसे कर्मचारी को भेज देते हैं, थपथपा कर वापस भेज दिया जाता है। और इन दिनों कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है ये जो है पॉलिटिशियंस की जुबान में बात कर रहे हैं, जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा कि क्या आपने हमसे पूछ कर घर लिया था क्या, तो हम ये पूछना चाहेंगे कमिश्नर साहब से कि वो जो अगर आपका कहना है या आप ये कहना चाहते हैं कि वो ज़मीन इलीगल है तो कॉर्पोरेशन ने वहाँ पर उस ज़मीन को बिकने की परमिशन कैसे दी, इसमें कॉर्पोरेशन मुलव्वस है, जब कॉर्पोरेशन ने वहाँ परमिशन दी तो कॉर्पोरेशन की पूरी जिम्मेदारी है। आज कमिश्नर सियासी लोगों की जुबान में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है तो बैठने दिया जाए, मैं अपनी मर्जी से आऊँगा, ऐसी बात तो कोई सियासी लीडर भी नहीं करता है, जिस तरह की बात आज कॉर्पोरेशन का प्रशासक कर रहा है, आज कॉर्पोरेशन का कमिश्नर कर रहा है। और ये जो अधिकारी है कमिश्नर ने कर्मचारी भेजे ये असल में हमको इसलिए यकीन नहीं है कि हर मर्तबा ऐसा ही होता है, जब कोई कुछ मुतालबा लेकर आता है तो कॉर्पोरेशन सिर्फ ये जो रद्दियों का एक अंबार एक ढिगार लगा दिया जाता है तो ये लेते हैं एक किनारे रख देते हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। दो पांच लोग आकर अगर ये कहते हैं कि हम धरना कर रहे हैं तो इसी तरह अधिकारियों को भेज दिया जाता है, लोग मुतमइन हो जाते हैं कि कमिश्नर साहब ने भेज दिया है अब काम हो जाएगा चले जाएंगे। अब ये महिलाएं हैं ये इतनी रिकामी तो है नहीं कि रोज रोज घर का जो है घर का काम छोड़कर अपने बच्चों की जो ड्यूटी है उनको जो निभाने है वो सब छोड़कर यहाँ पर आए, तो एक बार जब यहाँ से जाते तो फिर दोबारा आने के लिए सोचते कि हम अब बार बार किस तरह जाए। आप जानते हैं कि कॉर्पोरेशन से पवारवाड़ी काफी दूर है, और आप देखिए इन महिलाओं को, ये सब घर की जिम्मेदार महिलाएं हैं और ये अपने घर के काम काज यहाँ पर छोड़कर आए, तो ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है, कमिश्नर को यहाँ पर आना चाहिए, हमारा निवेदन स्वीकार करना चाहिए, और सिर्फ स्वीकार नहीं उस पर अमल बजावनी होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। और वो जमीन कैसी भी हो चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, जब कॉर्पोरेशन ने वहां पर घर बनने दिया तो ये कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वहां पर साफ सफाई हो, वरना कमिश्नर पर और कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई कि वहां पर उन लोगों ने जमीनें कैसे बिकने दी। चलो अभी देखते हैं कि मतलब बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई है, कर्मचारियों से बात हुई है, कर्मचारियों ने कहा कि हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना ये है कि जब तक प्रशासक खुद नहीं आ जाते हम उनके सिवा निवेदन किसी और को नहीं देंगे, अगर कमिश्नर आते हैं तो ही हम निवेदन देंगे, कमिश्नर आते हैं तो ही हम अपनी बात करेंगे, अपनी डिमांड करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बातें कमिश्नर साहब ने यहाँ पर कही है वो काफी निंदनीय बात है, और उसकी हम खुद निंदा करते हैं कि इस प्रकार से कमिश्नर यानी कि प्रशासक साहब ने जो कहा है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक आऊंगा, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी वो जनता का नौकर होता है, वो जनता के इस कार्यकाल में जनता के दिए हुए टैक्स से उन्हें तनख्वाह मिलती है, उन्हें पगार मिलती है, और जनता की सेवा करना उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासक साहब यहाँ निवेदन स्वीकार करने आते हैं या नहीं आते है, या फिर इसी प्रकार से ये महिलाओं का धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा, इसका क्या निर्णय निकलेगा। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए अब तक न्यूज के साथ, जाबिर शाह कैमरामैन कलीम खाटिक के साथ, नए सवालों के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।